नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अभी हम लोग की केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और हम लोग काउंटर फाइल भी कर चुके हैं। अभी सीबीटी क्वालिफाई के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा अभी काउंटर फाइल नहीं किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़ा बयान निकल के आई है। बयान क्या है, चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो विदेशी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट सभी को नोटिस जारी किया, नोटिस जारी करने के दौरान जो समय अवधि दिया गया है काउंटर फाइल करने का, अगर समय अवधि में काउंटर फाइल नहीं किया जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट का यही बहुत बड़ा बयान निकल के आई है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस किया गया है काउंटर फाइल करने का डेट अगर आपको दिया गया है, अगर आप उस डेट में काउंटर फाइल नहीं करते हैं तो जो काउंटर फाइल किया है, ध्यान सुन लीजिए, जो काउंटर फाइल किया है वही काउंटर को सुना जाएगा। और अगर पक्ष वाले काउंटर फाइल किए और विपक्ष वाले काउंटर फाइल नहीं किए सुप्रीम कोर्ट जो समय दिया है समय अवधि के दौरान, तो पक्ष वाले को जीत हो जाएगी। ध्यान समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पक्ष वाले को जीत घोषित कर देंगे। ये अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़ा अपडेट निकल के आई, बहुत बड़ा जो है अभी न्यूज निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ये बयान दिया है अगर काउंटर फाइल, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस में होता है जो समय अवधि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और उसमें विपक्ष वाले या पक्ष वाले काउंटर फाइल नहीं करते, तो उस केस में जो काउंटर फाइल किया है वही सुना जाएगा और जो काउंटर फाइल किया है उसी को जीत दे दिया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ यही एनएम के केस में नहीं, बहुत सारे केस में ऐसा होता है, ठीक है, जो समय अवधि के दौरान लोग काउंटर फाइल नहीं करते हैं, समय समाप्त हो जाती है फिर भी काउंटर फाइल नहीं करते हैं, बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट से लोग समय रिक्वेस्ट करते हैं जो समय और दिया जाए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद होता है, हर्ष होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये अभी बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ये अभी निर्णय जारी किया है, अगर समय अवधि के दौरान अगर आप काउंटर फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा, जो काउंटर फाइल किया है उसी को सुना जाएगा और उसी को जीत दे दिया जाएगा, जो भी केस हो, किसी भी टाइप का केस हो। अभी यही अपडेट निकल के आई है जो कि बहुत बड़ी अपडेट है और हम लोग के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नहीं सीबीटी क्वालिफाई के द्वारा अभी तक काउंटर फाइल किया गया है, नहीं बिहार सरकार के द्वारा काउंटर फाइल किया गया है, और हम लोग तो ऑलरेडी काउंटर फाइल कर चुके हैं। अगर ये लोग 14 अक्टूबर तक काउंटर फाइल नहीं करते हैं तो हम लोग तो काउंटर फाइल किए ही, हम लोग को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीत घोषित दे दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। पीछे देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड लग चुकी है और नाइट में ये लगभग दो बजे तक समाप्त हुई है, दो बजे तक, कल सारे दिन इसी में लगे हुए थे। और देख लीजिए फाइनली आपका डिजिटल बोर्ड लग चुकी है, डिजिटली क्लास जो है अब अक्टूबर से आपको स्टार्ट हो रही है, क्लासरूम तैयार हो चुका है, डिजिटल क्लासरूम, ठीक है। इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। जो दो दिन से लाइव नहीं आ पा रहे थे इसी में लगे हुए थे, फाइनली नाइट में दो बजे जाके ये क्लियर हुआ है, सुबह लगे थे तो नाइट में दो बजे जाके ये क्लियर हुआ है, पूरा सेटअप तैयार हो गया है, ठीक है। अब आपको अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी कंटिन्यू, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स आपको क्लास चलेगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना है। तो सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में हम आपको अपडेट दे दिए, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपको बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको केस के बारे में भी अपडेट मिलेगी, टाइम टू टाइम आपको क्लास भी मिलेगी। थोड़ा सा आवाज़ फंस रही है, इसलिए फंस रही है क्योंकि आप देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, सो नहीं पाए, ठीक है, यही में लगे हुए थे पिछले एक सप्ताह से, परेशान हैं, लाइव कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी हम आपको अपडेट देते हैं कभी नहीं दे पाते, तो इसी में फंसे हुए हैं, आँख देखते हैं फुला हुआ है क्योंकि सो नहीं पाए, ठीक है। फिर भी हम आपको अपडेट दे दिए हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। फाइनली आपका डिजिटली क्लासरूम तैयार हो गया, ठीक है, इसलिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी क्लास में आपको दिक्कत होती है, जो एक दो दिन क्लास डिस्टर्ब रहा, अब कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं रहेगा, एक दो दिन में आपको पूरा फाइनल क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
जो भी थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है वो आज से लेके कल तक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली आपको अक्टूबर से क्लास चलेगी और फाइनली टाइम टू टाइम अक्टूबर में आपको जो है अपडेट मिलेगी। यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले थे। अभी आँख बंद हो रही, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि सो नहीं पाए, सही से सो नहीं पाए, इसीलिए हो सकता है मेरा आवाज़ फंसता होगा, हो सकता है आपको क्लियर वॉइस नहीं जाता होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि अभी हम खुद परेशान हैं, इसी को लेके अभी पूरा परेशान है। एक दो दिन और परेशानी रहेगी, उसके बाद फाइनली सब कुछ क्लियर हो जाएगी, तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलेगी, टाइम टू टाइम आपको क्लास मिलेगी, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। पप्पू भाई आपके साथ पहले थे, ठीक है, जैसे वैसे अभी भी है, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट क्लास नहीं लिए हैं क्लास परचेज कर लीजिए, स्कैनर दे दिए हैं, नंबर दे दिए हैं, गूगल पे पेटीएम से आपको 499 पे करना है, और जो अभी क्लास हो गई है वो क्लास आपको अभी के अभी जैसे ही पेमेंट करेंगे मिल जाएगा। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे, तो जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजेंगे ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा और जितना क्लास अभी हो चुकी है सभी क्लास अभी आपको मिल जाएगी, और जो रेगुलर क्लास हो रही है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और रेगुलर आपको क्लास होते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अक्टूबर से वैकेंसी आ रही है और अक्टूबर से आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स क्लास लाइव क्लास चलने वाला है, घंटों क्लास चलेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं अब होगी क्योंकि लाइट रहे या नहीं रहे। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। पप्पू भाई अपनी बहन के लिए एक सप्ताह से परेशान थे और फाइनली ये पूरा क्लियर हो गया, डिजिटल क्लासरूम तैयार हो चुकी है और ये अक्टूबर से आपका क्लास होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं 12 बजे, 12 बजे आप लोग लाइव आना नहीं भूलेंगे, विशेष बातें हम लोग 12 बजे करने वाले हैं। थैंक यू।